एक लीव एप्लीकेशन वायरल हुई थी जिसमें एक कांस्टेबल ने हफ्ते भर की छुट्टी मांगी क्योंकि उसके सपने में शिवजी आते हैं। पिछले साल छत्तीसगढ़ के रेलवे कर्मी का लीव एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना क्योंकि उसने चिकन खाने की अर्जी के लिए एक हफ्ते की छुट्टी मांगी थी। अब एक और शख्स अपनी छुट्टी की अर्जी की वजह से सुर्खियों में है। पाकिस्तान में एक रेलवे अधिकारी ने 2 साल की छुट्टी मांगी है। इसके लिए उसने जो कारण बताया है और जो शर्तें रखी हैं वो हैरान करने वाली हैं। अधिकारी का कहना है कि वो अपने नए बॉस के गैर पेशेवर रवैये और बुरी तहजीब से परेशान होकर छुट्टी पर जाना चाहता है। पाकिस्तान रेलवे में बतौर चीफ कमर्शियल मैनेजर कार्यकर्त मोहम्मद हनीफ गुल ने ये भी मांग की कि 730 दिन के अवकाश के बावजूद उसे तनख्वाह मिलती रहे। हनीफ गुल ने जिस नए बॉस का जिक्र अपने लीव एप्लीकेशन में किया है वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद हैं। रेलवे चेयरमैन को लिखी चिट्ठी में हनीफ गुल ने लिखा, नए मंत्री का रवैया गैर पेशेवर है और उनमें तहजीब नहीं है। पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का सम्मानित सदस्य होने के नाते मेरा उनके अधीन काम करना मुमकिन नहीं है। मंत्री के पास उन लोगों की टीम के साथ काम करने का अधिकार है जिनका नजरिया उनसे मेल खाता है। बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बनने के बाद शेख रशीद ने 20 अगस्त को रेल मंत्री का कार्यभार संभाला था।